यूएन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट है वो जब तशरीफ लाई पाकिस्तान में, हर जगह कश्मीर का जिक्र उन्होंने खुद किया। जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के, उन्होंने कहा जी कि मैं सालसी करने को तैयार हूँ। अभी आपने देखा यूके के पार्लियामेंटेरियंस ने एक जो इनकाद किया जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे। मैंने सुना है कि शायद यूरोपियन यूनियन में भी कुछ ऐसा होने वाला है। और सबसे बढ़कर ये कि पहली दफा शायद अफगानिस्तान में भी सुनी अनसुनी कर दी, कोई घास नहीं डाली। जी बिल्कुल। उसके अलावा आपने सुना होगा, देखा होगा कि अफगानिस्तान में भी कुछ लोग निकले कश्मीरियों के हक में, ईरान में भी निकले लोग। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी हिंदुस्तान की, वहां से भी आवाजें उठ रही हैं कि कश्मीर हाथ से निकला जा रहा है और उनकी फौज की भी बुरी हालत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बस इलेक्शन तक आप देखिए, इसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह कि 2019 के अंदर ही हिंदुस्तान हमसे बात करेगा, टेबल पर आएगा। लेकिन ये जरूर है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितने हमारे दोस्त हैं या जो भी इंटरेस्ट है जिन मुल्कों का इस खित्ते में, उनका हम पूरा तआवुन हासिल करें, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, ईरान के भी हम कह सकते हैं कि वो इस सिलसिले में मुआवनत करें, और हिंदुस्तान को अपील करें कि इस पूरे खित्ते में अगर आपने अमन रखना है तो ये, जब तक दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान ये मसला हल नहीं होता तो ये आगे बात बढ़ नहीं सकती।